केराटिन ट्रीटमेंट एट होम फॉर स्ट्रेट स्मूथ सिल्की शाइनी फ्रिज फ्री हेयर, हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसी पावरफुल हेयर स्मूथनिंग क्रीम बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ड्राई डैमेज कर्ली बालों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। किस तरीके से बालों में मॉइस्चर ऐड करना है, किस तरीके से ड्राई डैमेज बाल आपके रिपेयर होंगे, कौन कौन सी चीज़ें इस रेमेडी पर मिलाने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छे अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे अपने बालों पर। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस रेमेडी को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स का सहारा लिया जाएगा, जो मिलाया जाएगा कंटेंट, वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप ऐसी पावरफुल क्रीम बना पाओगे और उसके आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे अपने बालों पर देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप के एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे हमारा पहला जो सुपर इंग्रेडिएंट है वो है वैसलीन। दोस्तों सर्दियों के मौसम में खास यूज़ होती है, आप एनी वेदर इसे यूज़ कर सकते हो वैसलीन का। तो वैसलीन को आपको सबसे पहले एक स्पून निकाल लेना है एक बाउल के अंदर। बात करेंगे दोस्तों वैसलीन क्या करती है हमारे बालों पर। दोस्तों स्प्लिट एंड्स को कम करती है, बालों में मॉइस्चर ऐड करती है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है, ग्रीसी होती है। अगर आप डायरेक्टली वैसलीन का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके बाल स्टिकी हो जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ वैसलीन से आपका काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्पून वैसलीन का ले लेना है और उसके अंदर आपको 2 से 3 स्पून मिल्क के मिला देना है। आप रॉ मिल्क या पका हुआ मिल्क, जो भी मिल्क अवेलेबल हो उसे आपको मिला देना है वैसलीन के अंदर। अब दोस्तों आपको स्टील के बाउल के अंदर गर्म पानी ले लेना है, एकदम गर्म पानी लेना है और उसे इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करते आना है। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से वैसलीन मिल्क के अंदर ऐड होती हुई नजर आएगी। अब दोस्तों इसके अंदर आपको तीसरी और लास्ट चीज ऐड करना है, वो है एक योल्क। दोस्तों एक योल्क कर्ली ड्राई डैमेज बालों वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है। इसकी मदद से आप ड्राई डैमेज बाल को तो रिपेयर करोगे ही, उसके साथ ही साथ आपके बाल जो बहुत ही ज़्यादा कर्ली होते उसको मेंटेन कर सकते हो, कर्लीपन को मिनिमाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स से जो नेचुरली होते उससे आप बालों को 100% स्ट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन बालों का टेक्स्चर इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक योल्क एक निकाल लेना है और इसी के अंदर ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करते आना है, और जो हमने जो गर्म पानी लिया था उसे हटा देना है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करते आना है, बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मास्क नजर आ गया, आप इसे मास्क भी कह सकते हो या क्रीम भी कह सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे इस क्रीम को किस तरीके से यूज़ करना है। दोस्तों अगर आपको बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट चाहिए तो आपको सबसे पहले शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद बालों को 100% ड्राई कर लेना है, टॉवल ड्राई कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। जब बाल सूख जाए, ये हल्के गीले भी रहेंगे तो भी चलेगा। अब आपको करना क्या है, डाइ ब्रश से या डायरेक्ट फिंगर की मदद से इस मास्क को, इस क्रीम को अच्छे से स्कैल्प से लेके पूरे बालों पर लगाना है और उसके बाद आपको शावर कैप पहन लेना है कम से कम 1/2 घंटे के लिए, और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से या सिर्फ प्लेन वाटर से आपको बालों को वॉश करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है इसको यूज़ करने का। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज कर ली है, रूखे सूखे बेजान है, तो आप इसको 2 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन के गैप के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वीक में 3 बार इसे यूज़ करना है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज कर ली है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे होते हुए नज़र आएंगे, यानी कि आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान है वो रिपेयर होंगे, बालों में स्मूथनेस आएगी, दोस्तों कंडीशनिंग आएगी। लेकिन दोस्तों इससे कोई बाल 100% स्ट्रेट नहीं होते। अगर आप ये चक्कर में हो कि मैं इसे लगा लूँगा और इससे बाल हमारे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।